आज मेरा मूड भी ऑफ है, गेमिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, और तो और वीडियो भी बनाना है, तो ऐसा क्या करे यार कि जो सब हो जाए। अब तो लगता है उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। नचवाई मुझे लगता है कि तुम्हें नौटंकी कम करनी चाहिए। तुम्हारी ऑडियंस पहले ही समझदार है, उनको पता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक आइडिया है। नहीं ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी ऑडियंस समझदार है। इससे पहले मैं उनको बोलूं कि वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उन्होंने तो पहले ही करके रख दिया होगा। आई नो आई नो। और नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, तब तुम भी समझदार बन जाओगे। ब्रो भाई ब्र आपस यो भाई शान सुगदा तुम्हारा एक और नई वीडियो में चौपे। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं। अच्छा, खेलने वाले नहीं है, हम लोग थोड़े से मीम्स देखने वाले हैं। और आज हम लोग मीम्स देखने वाले हैं पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस के ऊपर, क्योंकि अभी यू नो रिसेंटली कौन सा गेम आने वाला है। आई नो ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल भी आने वाला है, बट अगर तुमको पता हो ना तो वो पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का रीमेक है। एंड इफ यू डोंट नो तो मैंने उन दोनों गेम्स को भी नहीं खेला है, लाइक मैंने बिल्कुल नहीं खेला, तो मुझको थिंग्स के बारे में पता नहीं है। और वहाँ पे अगर हम मीम्स देखें तो माइट भी हमको थोड़े मोरे स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाए। वैसे भी मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरे को ये पता चला ना जब से उसका रीमेक आ रहा है, मेरा तब से मन कर रहा है कि मैं डायमंड एंड पर्ल खेलूं, बट आई एम नॉट गोना डू इट मैन। तो इसीलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस के थोड़े से मीम्स। और अगर थोड़ा सा अगर तुमको आज नॉइज आता है ना, तो यू नो आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू यू। तो यहाँ दिवाली का तो हल्ला गुल्ला चल रहा है, आई डोंट थिंक यू इतना ज्यादा आने वाला, बट चलो ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग गूगल पे चलते हैं और टाइप करते हैं Pokemon Legends Arceus। Wait a minute, Arceus का स्पेलिंग क्या था? आई थिंक सो यही होना चाहिए, पता नहीं भाई। और हम लोग मीम सर्च करते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे कौन से वेबसाइट में हम लोग देखें। Pokemon 10 Hilarious Billion Diamond, अरे Billion Diamond and Shining Pearl, मैंने Legends Arceus लिखा तो ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? Wait, आगे देखते हैं। ओके चलो ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। वैसे मैं इस वेबसाइट का तुमको लिंक नीचे नहीं दूंगा, क्योंकि माइट भी यहाँ पे थोड़े से ऐड आ सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते। ओके यहाँ पे ये देखते हैं भाई। रुको, ए नहीं मैं तो पीटूंगा इसको। मारो हमको मारो। तुम एक पोकेबॉल का इस्तेमाल कर सकते हो उसको पकड़ने के लिए। ये लड़की क्या बोल रही है, क्या ये खाने की चीज है? अच्छा तो डंटे से नहीं स्पोकीबल से इसको मारना था, ये ले। भाई ये मीम को देखो यार, लाइक एक बार उसको मतलब ये डंटे से उसको मार रहा है। मेरे को पता है कि लेजेंड्स आर्केस में ना लाइक पोकेमॉन को तो तुम भिरवा सकते हो, बट वहाँ पे ट्रेनर्स भी बैटल करते हैं यू नो, अगर तुमको पता हो तो। यहाँ पे इसको डंटे से मार रहा है भाई, पोकेबॉल नाम की भी कोई चीज होती है। एंड भाई ये पोकेबॉल से ही मारना चालू कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो यहाँ पे सुंदर सुशील सी मोहतरमा यहाँ पे पोकेबॉल लेके तैयार है, उसका पोकेमॉन को तुम देखो यार कितना मासूम सा प्यारा सा लग रहा है। और फिर सामने में आ जाता है हमारा अर्थरिंग, भाई कितना खतरनाक है यार, मतलब मुंह से तो देखो क्या निकल रहा है, आंखें लाल लाल है इसकी। उसके बाद ये पोकेबॉल पोकेबॉल तोड़ देती है। अच्छा जो भी है भाई, और इसका पोकेमॉन इसी को देख रहा है। एंड देन इसको ये तुम देखो भाई, मतलब लेजेंड्स आर्केस में यही होने वाला है। पोकेमॉन छोड़ो यार, पोकेमॉन क्या होता है, हम ट्रेनर्स हम खुद फिर जाएंगे पोकेमॉन से। ये नजारा मुझे थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। आपका क्या मतलब, आपने ये देख के रखा है, ये ब्रांड न्यू है। भाई देखो एक्चुअली ना यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़े से सिमिलर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी है लाइक वो राइड वगैरह से थोड़ा सा अगर तुम कंपेयर करो ना, तो लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा और लेजेंड्स आर्केस एक्चुअली सिमिलर लगता है। बट यू नो अगर पोकेमॉन का भाई हम तो देखने ही वाले हैं, और क्योंकि मैंने लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा खेला नहीं है, हालांकि वो काफ़ी अच्छी गेम है, बट हाँ लेकिन वो भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी मज़ेदार भी है भाई। आप ओके चलो आगे देखते हैं भाई। मीम एंड पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस गॉट अनाउंस्ड। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था ना, लाइक उस दिन मैं वो इवेंट देख रहा था पोकेमॉन का, एंड सभी बोल रहे थे कि भाई हाँ सिनो में कोई रीमेक आने वाला है। तो जैसे ही वो कंफर्म हुआ ना, मेरे को लगा भाई इवेंट तो अब खत्म, इसमें अब कुछ मिलने वाला है नहीं। बट उसके डायरेक्ट बाद जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ ना, मतलब दिल में खुशी की लहर उठ गई भाई, मैं सही बता रहा हूँ यार, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई थी उस वक्त। बट चलो ठीक है, अब तो जनवरी में आने वाला है तो वो भी हम लोग देखेंगे। अर्थ
8543 बिलियन ईयर्स एगो। बहुत सुनसान, बहुत ही नेचर से घिरा हुआ पोकेमॉन लेजेंड्स अर्कियस 2021 में अभी भी झाड़ फूस लगे हुए हैं। यहाँ पे जंगल है, मतलब हो सकता है कि जंगली वाला इलाका जो शो कर रहा हो, बाकी जगह तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन हो सकी, बट एक सेंस में तुम देखो ना कि अर्थ उस जमाने में वैसा दिखता था और अभी 2021 में अर्थ यहाँ लेजेंड्स अर्कियस में ऐसा है, क्योंकि तुमको काफ़ी सारे रीजन्स पर जाके वो पोकेमॉन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो माइट भी हाँ, तुम इसका एक सेंस लगा सकते हो ना कि वर्ल्ड में अभी भी मतलब कितना पीछे चल रहा है वहाँ का वर्ल्ड, बट एक्चुअली ये गेम है, तुम ज़्यादा कुछ बजा भी नहीं उड़ा सकते, यू नो। और यहाँ पे भाई लेजेंड्स ऑफ जेल्डा का तुम एक सीन देख सकते हो, एक्चुअली कंपैरिजन है लाइक कि यहाँ भी ये चीज थी और ये सीन यहाँ पे, ये अब तुम देख ही सकते हो भाई, कॉपीड नहीं है उतना, बट हाँ तुम बोल सकते हो एक सेंस में बस। अरे भाई उसने 18 लिखा था और यहाँ पे मीम सारे रिपीटेड है। ओके चलो कोई बात नहीं, दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई, चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ ऊपर से इंटरफेस से देख के लग रहा है मेरे को देखना चाहिए। Even if you hate my graphics, you still buy my game. Okay. और यहाँ पे बंदूक तानी हुई भाई, ये डॉन, ये बहुत क्यूट और बदमाश सी डॉन लग रही है, और यहाँ पे हम पे गोली तानी हुई है। वैसे यू नो जो भी पोकेमॉन फैंस है ना, वो काफी सारे गेम्स को कलेक्ट करते हैं, लाइक उनकी एक छोटी सी वो कार्टेज आती है और उस कार्टेज को निंटेंडो स्विच में लगाने के बाद तुम उसको खेल सकते हो। तो वो कार्टेज कलेक्ट करना ना मतलब खुद में ही एक शौक रहता है भाई, इसके लिए तो वो लोग जरूर खरीदेंगे जो भी उसको कलेक्ट करते हैं। बट चलो ठीक है। व्हाट इज विद दिस सीसी लॉस्ट चाइल्ड? ओके यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, जो वन पंच मैन देखे है ना वो इस मीम को ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, तो हमने देखा नहीं है, हम क्या ही करें। ओके चलो आगे देखते हैं। वैसे वो काफी बड़ा है भाई, मैं देखने का सोच भी नहीं सकता। द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फर्स्ट 4 जनरेशन रीमेक्स, अगर तुमको पता हो तो हाँ काफी सारे रीमेक्स भी थे, लाइक हमारा ओमेगा रूबी जिसमें मेन कैरेक्टर रहती है, इसका मेरे को नहीं पता, और ये ग्रीन है मेरे ख्याल से, और तुम इधर साइड देखो ये भाई डॉन, मतलब इतनी छोटी यार, बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं करता यार, मतलब हो गया। चलो ठीक है भाई, आज के लिए तो मैंने काफी देख लिया वैसे। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, और तुम कमेंट करके ये बता सकते हो क्या तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो ये आप हम लोग वो भी बना देंगे, यू नो तुम्हारा भाई बहुत फालतू में बैठते रहता है। तो क्योंकि मेरे को भी मीम्स देखने में मजा आता है, तुम उसका सेकंड पार्ट भी बना सकते हो, बस तुमको नीचे कमेंट करने की देर है, और तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुमको अगला पार्ट देखना है। यार मतलब तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम अगला पार्ट कैसे देखोगे, मतलब जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब। बाय द वे, यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।